कुशीनगर के रगड़गंज पुलिस चौकी पर दिया धरना, कार्रवाई की मांग। युवक की पिटाई का वीडियो हुआ था वायरल, लोगों ने जताई नाराजगी। यूपी के कुशीनगर जनपद के रामकोला थाना क्षेत्र के रगड़गंज पुलिस चौकी पर सोमवार की शाम युवक की पिटाई के मामले में दुल पकड़ लिया। युवक को पीटने वाले सिपाही के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्थानीय लोगों ने पुलिस चौकी पर घेराव कर दिया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि बलराम राव ने सिपाही की हरकत पर कड़ी आपत्ति जताई। धरना प्रदर्शन की जानकारी होने पर SHO अखिलेश सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। SHO अखिलेश सिंह ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। सोमवार की शाम रगड़गंज पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही ने कस्बे के शंभू मदेसिया को पकड़ा था। आरोप है कि उसे पुलिस चौकी पर ले जाकर पिटाई की गई। इसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वीडियो देखकर कस्बे के लोग नाराज हो गए। मंगलवार की सुबह कस्बे के दुकानदार पुलिसकर्मी चौकी पहुंचे। लोगों ने पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही ठेला खमचा सहित अन्य दुकानदारों से रोजाना वसूली करते हैं। पुलिस चौकी पर पहुंचे SHO अखिलेश सिंह को दुकानदारों ने अपनी पीड़ा सुनाई। इस मामले की जानकारी होने पर SP धवल जायसवाल ने SHO से मोबाइल पर बात करके जानकारी ली। SP ने तत्काल प्रभाव से आरोपी पुलिसकर्मी को हटाने का निर्देश दिया। SP से कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर लोगों ने धरना प्रदर्शन खत्म किया। इस दौरान राहुल सिंह, बच्चेलाल राहुल, गौतम मदेसिया, महेश मदेसिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे।